और अब यहाँ पर दो व्हीकल्स में चार प्लेयर्स को रोटेट करना प्रॉब्लमेटिक बनेगा जरूर, लेकिन एसटीई अक्षत के ऊपर पुश कर जाएंगे। अकेले प्लेयर सोल के यहाँ पर इस कॉम्पाउंड में मौजूद थे, ये डिस्पोजन बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो पाएगा। अक्षत यहाँ पर सरप्राइज देते हुए नजर आते हैं, पोजीशन रिवील नहीं करना चाहते थे, पिका के साथ वन लेना पड़ेगा, पिका पे प्री फायर देने की कोशिश करते हुए अक्षत की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं पता, पिका को मोलेटो भी थ्रो किया जाएगा, प्री फायर अक्षत देते हुए नजर आएंगे, लेकिन प्लेयर पुश करते हुए अक्षत के ऊपर, अक्षत को कवर फायर देना पड़ेगा। सोल के प्लेयर यहाँ पर पुश कर जाते हैं, ये एक अच्छी अप्रोच है, यहाँ सोल को कुछ कमाल करना पड़ेगा। अक्षत हील कर लेते हैं, गोब्लिन आगे आते हुए किल कंफर्म करते हुए, सोल के गोब्लिन यहाँ पर अब 2v4 मचेंगे, डैमेज पड़ता है प्री फायर देते हुए, पिका डैमेज देगा लेकिन साथ साथ में नॉक करेंगे, इसको भी नॉक करेगा। इट्स ओनली विक्टिम सोल का बनता हुआ, एसटी वर्सेस सोल, ओमेगा बैक एंड पे क्या कर रहे हैं यार, उनको आना चाहिए था। अक्षत अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, अक्षत को यहाँ पर रिवाइवल के लिए जाना जरूर है, बैक एंड ओमेगा आते हुए अक्षत यहाँ पर रिवाइव दे रहे हैं, ओमेगा यहाँ पर स्पॉट हो जाएंगे, एक्शन डैमेज देते हुए काफी लोग करेंगे और एक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन 1 एचपी प्लेयर मौजूद है, ओमेगा हेक्टर रिवाइव हो जाएंगे, अक्षत एक नंबर एक्शन को एलिमिनेट किया जाएगा। टीम से भाई मजा आ रहा है, लेकिन लोकल ऑडियंस का जो सपोर्ट है ना, फुल पावर लगाने के बाद चार बहुत जाते हैं, अच्छी ट्रेड है जरूर मगर भाई एक बार यार ट्रेड नहीं कहूंगा क्योंकि डीएलसी बैक एंड पे मौजूद है, एंड इफ दे डिसाइड टू पुश इट्स गेम ओवर फॉर टीम सोल। एग्जैक्टली अलादीन, लेकिन अभी के लिए 5 किल पॉइंट स्कोर कर चुके हैं, बोला ना आपको वो मोमेंटम मिसिंग था बस। इस्तांबुल वाइल्ड प्लेयर दूसरी जा रहे हैं, एक टिप में मौजूद है और इनके